हे गाइस, मैं हूँ श्वेता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब के इस चैनल में। आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर भुर्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही इजीली बन जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ये ग्रेडेड पनीर, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है पनीर को। ये मैंने चॉप्ड अनियन लिया है, ये कैप्सिकम है चॉप्ड, और ये यहाँ पर मैंने टमाटो लिए हैं, इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया। और ये मैंने मटर लिया हुआ 150 ग्राम, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम एक पैन लेंगे और इस पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे सरसों के ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आप खाते हो। पैन को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें हींग ऐड करेंगे, यहाँ पर आप जीरा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे, प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे तेल के साथ में गोल्डन ब्राउन होने तक। अभी हम इसमें मटर ऐड करेंगे। मटर हम इसलिए पहले ऐड करते हैं क्योंकि मटर को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मटर को पहले से डालेंगे इसमें। अभी हम मटर को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ऑयल में। अभी हम इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे, कैप्सिकम को भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है तेल में। अभी हम इसमें से थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे इन सब्जियों को अच्छे से पकाने के लिए। सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे लो फ्लेम पे, 2 मिनट तक लगभग। 2 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे, सब्जी हमारी अच्छी से पक गई है। इसको हम अच्छे से चला के देखेंगे, अच्छे से पक गई है सब्जी हमारी सारी। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, टमाटर को भी हम अच्छे से सारी सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को हम अच्छे से ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे जिससे कि सब्जियों पे अच्छे से मसाले कोट हो जाते हैं सारे। जब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे तो सारे अच्छे से कोट हो जाएंगे सब्जियों पे। अभी हम इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, ये मैंने आधे से एक चम्मच टर्मरिक पाउडर लिया है। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च लिए, मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने जीरा पाउडर लिया है थोड़ा सा। यहाँ पर मैं 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं किचन किंग मसाला यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे आप गरम मसाले का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। अब हम यहाँ पे 1/2 कप लगभग पानी का यूज़ करेंगे। इसमें पानी डाल के हम अच्छे से चला लेंगे। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये सब्जियों का गला देगा, थोड़ी देर हम इसको गलाएंगे सब्जियों को यहाँ पे। अब हम इसको थोड़ी देर कवर करके रखेंगे लगभग 5 से 7 मिनट तक सब्जियों को गलने के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद हम इसे खोल के देखेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी बाकी है, हम पूरा पानी ख़त्म होने तक इसको हीट करेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे सारा पानी जल चुका है। अभी ये पनीर हम इसमें ऐड करेंगे, अभी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है तो इसमें हम पनीर ऐड कर सकते हैं। अभी क्योंकि इस सब्ज़ी में पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, अगर आप मटर का यूज़ कर रहे हैं या कैप्सिकम का यूज़ कर रहे हैं तो उसे गलाने के लिए आप पानी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे पनीर को सारी सब्जियों के साथ में। देखिए कितनी बढ़िया सब्जी लग रही है बन के। अभी हम इसको सब्जी को अच्छे से पकाएंगे तो ये और बढ़िया हो जाएगी। इसको अब हम कुछ देर के लिए ढक देंगे, लगभग 3-4 मिनट के लिए। 3-4 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे,
सब्जी ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब सब्जी हमारी पक चुकी है लगभग। हम इसको चला के देखेंगे, अगर हमें लगता है कि हाँ अभी सब्जी और पकाने की ज़रूरत है तो हम इसे 1 से 2 मिनट तक तो और पका सकते हैं। ये सब्जी हमारे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं इसको पकने में। तो इसको हम चला के एक बार और पकाएंगे, 1-2 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखते हैं, हमारी सब्जी अच्छे से बन के तैयार है एकदम। ये बहुत ही पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें हम जितनी भी चाहें सब्जियों का यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारे घर में सबको ही पसंद है लगभग, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। अब हम इसे किसी भी सर्विंग बाउल में सर्व कर सकते हैं, इसको आप चपाती, रोटी, पूड़ी किसी के भी साथ खाएं, ये सभी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। कितनी देखिए कितनी अच्छी सब्जी लग रही है देखने में, ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है। तो आप इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।